माननीय सदस्यगण सभी का नमस्कार। इस नए सदन भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। आज की अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नई भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियां जो आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय सदस्यगण, ये हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्षगांठ है। इसी कालखंड में आजादी के 75 वर्षों का उत्सव अमृत महोत्सव भी संपन्न हुआ है। इस दौरान देश भर में अनेक कार्यक्रम हुए। देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75 साल बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतंत्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया। इस उत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली आ गया। 2 लाख से ज्यादा शिला फलकम स्थापित किए गए। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 5 प्राणों की शपथ ली। 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने। 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे लगाया गया। 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड की। अमृत उत्सव के दौरान ही कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की समर्पित म्यूजियम खोला गया। शांति निकेतन और होयबोला मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई। साहेब जादव की याद में बीरवाल दिवस घोषित हुआ। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया। माननीय सदस्यगण, बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। इस दौरान देशवासियों का गौरव बढ़ाने वाले अनेक पल आए। दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लगातार 2 क्वार्टर से भारत की विकास दर 7.5% से ऊपर रही है। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई।
ऐतिहासिक G20 सम्मेलन के सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका को सशक्त किया। भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 से अधिक मेडल जीते। पारा एशियाई खेलों में भी 100 से अधिक मेडल जीते। भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु मिला। भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन तथा पहली अमृत भारत ट्रेन मिली। भारत दुनिया से सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश बना। भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की। पिछले साल ही मेरी सरकार ने मिशन मोड में लाखों युवाओं की सरकारी नौकरी दी है। माननीय सदस्यगण, बीते 12 महीने में मेरी सरकार अनेक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर भी आए। ये विधेयक आप सभी संसद सदस्यों के सहयोग से आज कानून बन चुके हैं। ये ऐसे कानून है जो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का मजबूत आधार है। तीन दशक बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करने के लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। इससे लोकतांत्रिक इससे लोकसभा और विधानसभा के महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हुई है। ये ओमेनली डेवलपमेंट के मेरी सरकार के संकल्प को मजबूत करता है। रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने कमिटमेंट को मेरी सरकार ने लगातार जारी रखा है। गुलामी के कालखंड में प्रेरित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब इतिहास हो गया है। आप दंड को नहीं अपितु न्याय को प्राथमिकता है। न्याय सर्वोपरि के सिद्धांतों पर नई न्याय संहिता देश को मिली है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम से डिजिटल स्पेस और सुरक्षित होने वाला है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम से देश में रिसर्च और इनोवेशन को बल मिलेगा। जम्मू और कश्मीर आरक्षण कानून से वहां भी जनजातीय समुदाय को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा। इस दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी कानून में भी संशोधन किया गया। इससे तेलंगाना में सरोक का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनने का सरास्ता सुगम हुआ। पिछले वर्ष CS2 अन्य पुराने कानून को भी हटाया गया है। मेरी सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंता से अवगत है। इसीलिए ऐसे गलत तरीके को सख्ती के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया है। माननीय सदस्यगण, कोई भी राष्ट्र तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है जब वो पुराने चुनौतियों का पूरा परास्त करते हुए अपने ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा भविष्य निर्माण में लगाए। पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सोच हो चुका है। Thank you.
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, आज वो इतिहास हो चुकी है। इसी संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया है। इसी संसद ने हमारे पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिक देने वाला कानून बनाया। मेरी सरकार ने वन रेक वन पेंशन की भी लागू किया, जिसका इंतजार चारों दशकों से था। ओआरओपी लागू होने के बाद अब तो पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपये मिल चुकी है। भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी हुई है। माननीय सदस्यगण, उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की अमर पंक्तियां असीम राष्ट्रप्रेम की भावना का सदा संचार करती है। उन्होंने कहा था, मिशु मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जान तु पिठी रे, देशर स्वराज्य पथे जेते गाड़ो, पुरु तोही गड़ी मोर मांस हाड़, अर्थात मेरा शरीर इस देह की माटी के साथ मिल जाए, देशवासी मेरी पीठ पर से चलते चल जाए। देश के स्वराज पथ में जितनी भी खाइयां है वे मेरी हार्ड मांग से पट जाए। इन पंक्तियों में हमें कर्तव्यों की पराकाष्ठा दिखती है, राष्ट्र सर्वोपरि का आदर्श दिखाई देता है। ये उपलब्धियां जो आज देख रही है वो बीते 10 वर्षों की साधना का विस्तार है। हमें सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं। आप हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होने देख रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह प्रत्येक गरीब में नया विश्वास जगाने वाली बात है। जो 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है। आज अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को देखें तो ये विश्वास बढ़ता है कि भारत सही दिशा में तथा सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रही है। बीते 10 वर्षों में हमने भारत को फ्रेजाइल 5 से निकलकर टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल होते देखा। भारत का निर्यात करीब 450 बिलियन डॉलर से बढ़कर 775 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। पहले की तुलना में एफडीआई द्विगुना हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। आईटीआर फाइल करने वाले की संख्या करीब 3 करोड़ से बढ़कर लगभग 8 करोड़ हो चुकी है और बढ़ोतरी 2 गुना से भी कहीं अधिक है। 1 दशक पहले देश में केवल कुछ 100 स्टार्टअप थे, जो आज बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गया। साल में 94,000 कंपनियां रजिस्टर हुई थी, पिछले वर्ष ये संख्या 1,60,000 तक पहुंच चुके। दिसंबर 2017 में 98 लाख से लोग जीएसटी देते थे, आज इनकी संख्या 1,40,00,000 है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में लगभग 13,52,00,000 बिके थे। पिछले 10 वर्षों में देशवासियों ने 21 करोड़ से अधिक वाहन खरीदे हैं। 2014-15 में लगभग 2000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे, जबकि 2023-24 में दिसंबर माह तक ही लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं। माननीय सदस्यगण,
बीते दशक में मेरी सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है। इसी का परिणाम है कि हम बड़े आर्थिक सुधारों के साक्षी बने हैं। इस दौरान देश को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड मिला है। देश को जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स कानून मिला है। मेरी सरकार ने माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी सुनिश्चित की है। 10 वर्षों में कैपेक्स 5 गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया है। साथ ही फिजिकल डेफिसिट भी नियंत्रण भी में है। आज हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स 600 अरब डॉलर से ज्यादा है। हमारे बैंकिंग सिस्टम जो पहले बुरी तरह से चरमराया था, वो आज दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक बना है। बैंक का एनपीए जो कभी डबल डिजिट में होता था, वो आज लगभग 4% ही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुकी है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। पिछले एक दशक के दौरान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। कुछ साल पहले भारत खिलौना आयात करता था, आज मेड इन इंडिया खिलौने निर्यात कर रहा है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। आज हर भारतीय देश में बने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को देखकर गर्व से भरा हुआ है। लड़ाकू विमान तेजस अब हमारी वायुसेना की ताकत बन रहे हैं। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में होने जा रहा है। आधुनिक एयरक्राफ्ट इंजन भी भारत में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर का विकास हो रहा है। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित की है। स्पेस सेक्टर को भी हमारी सरकार ने युवा स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार वेल्थ क्रिएटर का सम्मान करती है तथा भारत के प्राइवेट सेक्टर के सामर्थ्य पर विश्वास करती है। भारत में बिजनेस करना आसान हो, इसके लिए उपयुक्त माहौल रहे, इस पर भी मेरी सरकार लगातार काम कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है। बीते कुछ वर्षों में 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस को हटाया जा या सरल किया गया है। कंपनीज एक्ट तथा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में 63 प्रावधानों को अपराध की सूची में बाहर किया गया है। जोन विश्वास अधिनियम द्वारा 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। अदालत के बाहर विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु मध्यस्थता पर कानून बनाया गया है। वन और पर्यावरण विभाग से क्लियरेंस मिलने में जहां 600 दिन लगते थे, वहां आज 75 दिन से भी कम समय लगता है। फेसलेस असेसमेंट योजना से टैक्स व्यवस्था में और पारदर्शिता आई है। माननीय सदस्यगण, हमारे एमएसएमई सेक्टर को भी रिफॉर्म्स का बहुत अधिक लाभ हो रहा है। आप अवगत है कि हमारे एमएसएमईज में आज करोड़ों देशवासी काम कर रहे हैं। एमएसएमईज
और लघु उद्यमियों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। एमएसएमई की परिभाषा का विस्तार किया गया है, नई परिभाषा में निवेश और टर्नओवर को समाहित किया गया है। आज उद्यम और उद्यम असिस्ट पोर्टल पर लगभग 3.5 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड है। बीते वर्षों में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत करीब 5 लाख करोड़ की गारंटी स्वीकृति की गई है। ये 2014 से पहले के दशक से 6 गुना अधिक है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का एक और बड़ा रिफॉर्म डिजिटल इंडिया का निर्माण है। डिजिटल इंडिया ने भारत में जीवन और बिजनेस दोनों को बहुत आसान बना दिया है। आज पूरी दुनिया मानती है कि ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। विकसित देशों में भी भारत ऐसा डिजिटल सिस्टम नहीं है। गांव में भी सामान्य खरीद बिक्री डिजिटल तरीके से होगी, ये कुछ लोगों की कल्पना से भी परे था। आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेन देन का 46% भारत में होता है। पिछले महीने यूपीआई से रिकॉर्ड 1200 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई है। इसके तहत 18 लाख करोड़ रुपया का रिकॉर्ड लेन देन हुआ है। दुनिया के दूसरे देश भी आज यूपीआई से ट्रांजैक्शन की सुविधा दे रही है। डिजिटल इंडिया के कारण बैंकिंग आसान हुई है और लेन देन भी सरल हुआ है। जनधन आधार मोबाइल की त्रिशक्ति से भ्रष्टाचार पर लगाम लगने में मदद मिली है। मेरी सरकार अब तक 34 लाख करोड़ रुपया डीबीटी से ट्रांसफर कर चुके हैं। जनधन आधार मोबाइल के कारण करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर किए गए हैं। इससे 3.25 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों में जाने से बचे हैं। डिजी लॉकर की सुविधा भी जीवन को आसान बना रही है। इसमें अभी तक यूजर्स के 6 बिलियन से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स जारी हुई है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत लगभग 53 करोड़ लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बन चुकी है। माननीय सदस्यगण, डिजिटल के साथ साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रिकॉर्ड निवेश हुई है। आज भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसका सपना हर भारतीय देखता था। पिछले 10 वर्षों के दौरान गांव में 4.25 लाख किलोमीटर नई सड़कें बने हुए हैं। नेशनल हाईवे की लंबाई 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर हुई है। 4 लेन नेशनल हाईवे की लंबाई 2.5 गुना बढ़ी है। हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 500 किलोमीटर थी जो आज 4000 किलोमीटर है। एयरपोर्ट की संख्या 74 से 2 गुना बढ़कर 149 हो चुकी है। देश के बड़े बंदरगाह पर कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 2 गुना हो गई है। ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने वालों की संख्या में 14 गुना बढ़ोतरी हुई है। देश को लगभग 2 लाख गांव पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी खुले हैं जो रोजगार का बड़ा माध्यम बने हैं। देश में 10,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन भी बढ़ाई गई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड से बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ है। वन नेशन वन गैस ग्रिड से गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। सिर्फ
पांच शहरों तक सीमित मेट्रो की सुविधा आज 20 शहरों में है। 25,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाई गई। ये कोई विकसित देश के कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई से भी ज्यादा है। भारत रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के बहुत निकट है। इस दौरान भारत में पहली बार सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू हुई है। आज 39 से ज्यादा रोड्स पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार मानती है कि विकसित भारत की भव्य इमारत चार मजबूत स्तंभों पर खड़ी होगी। ये स्तंभ है युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब। देश के हर हिस्से, हर समाज में इन सभी की स्थिति और सपने एक जैसे ही है। इसीलिए इन चार स्तंभों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार निरंतर काम कर रही है। मेरी सरकार ने टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा इन स्तंभों को मजबूत बनाने पर खर्च किया है। 4,10,00,000 गरीब परिवार को अपना पक्का घर मिला। इस पर लगभग 6,00,000 करोड़ रुपया खर्च किए गए। लगभग 11,00,000 ग्रामीण परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा है। इस पर 4,00,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहे हैं। हाल ही में 10,00,000,000 उज्ज्वला के गैस कनेक्शन पूरी हुई है। आज इन लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ती गैस भी दी जा रही है। इस पर भी सरकार द्वारा 2,50,000 करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं। कोरोना काल से ही 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन। अब इसे आने वाले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। अब इस पर 11,00,000 करोड़ रुपया और खर्च होने का अनुमान है। मेरी सरकार का प्रयास है कि हर योजना का तेजी से सैचुरेशन हो, कोई भी लाभार्थी वंचित ना रहे। इसके लिए 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। अभी तक इस यात्रा से करीब 19 करोड़ देशवासी जुड़ चुके हैं। माननीय सदस्यगण, बीते वर्ष में विश्व ने 2 बड़े युद्ध देखे और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का सामना किया। ऐसे वैश्विक संकटों के बावजूद मेरी सरकार ने देश में महंगाई को काबू में रखा, सामान्य भारतीयों का बोझ नहीं बढ़ने दिया। ।2014 से पहले के 10 वर्षों में औसत महंगाई दर 8% से अधिक थी। पिछले दशकों में औसत महंगाई दर 5% रही। मेरी सरकार का प्रयास रहा है कि सामान्य देशवासी की जेब में अधिक से अधिक बचत कैसे हो। पहले भारत में 2,00,000 रुपये की आय पर टैक्स लग जाता था। आज भारत में 7,00,000 रुपये तक की आय पर भी टैक्स नहीं लगता। टैक्स छूट और रिफंड के कारण भारत के टैक्स प्रयास को 2 साल में करीब 2,50,000 करोड़ रुपया की बचत हुई है। आयुष्मान योजना के अलावा भी केंद्र सरकार विभिन्न हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। इससे देश के नागरिकों के 3,50,000 करोड़ रुपया खर्च होने से बचे हैं। जो 9 औषधि केंद्रों की वजह से मरीजों के करीब 28,000 करोड़ रुपया खर्च होने से बचे हैं। कोरोना रेजिस्टेंट्स, घुटने के इम्प्लांट्स,
तथा कैंसर की दवाओं की कीमत भी कम की गई है। इससे मरीजों की हर वर्ष लगभग 27,000 करोड़ रुपया की बचत हो रही है। मेरी सरकार किडनी के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस का अभियान भी चला रही है। इसका लाभ प्रतिवर्ष 21 लाख से ज्यादा मरीज उठा रहे हैं। इसके प्रतिवर्ष इन 1 लाख रुपया खर्च होने से बचे हैं। गरीबों को सस्ता राशन मिलता रहे, इसके लिए मेरी सरकार ने पिछले दशक में करीब 20 लाख करोड़ रुपया खर्च किए हैं। भारतीय रेल में यात्रा के लिए रेलवे प्रत्येक टिकट पर करीब 50% डिस्काउंट देते हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों को हर वर्ष 60,000 करोड़ रुपया की बचत होती है। गरीब और मध्यम वर्ग को कम कीमत पर हवाई टिकट मिल रहे हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत गरीब और मध्यम वर्गों को हवाई टिकटों पर 3,000 करोड़ रुपया से ज्यादा की बचत हुई है। एलईडी बल्ब की योजना के कारण बिजली के बोलों में 20,000 करोड़ रुपया में अधिक बचत हुई है। जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना के तहत गरीबों को 16,000 करोड़ रुपया से ज्यादा की क्लेम राशि मिली है। माननीय सदस्यगण, नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मेरी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड भी नारी शक्ति के लिए समर्पित थी। इस परेड में दुनिया ने हमारी बेटियों के सामर्थ्य की झलक देखी। मेरी सरकार ने जल, स्थल, नभ और अंतरिक्ष हर तरफ बेटियों की भूमिका का विस्तार किया है। हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के क्या मायने हैं। मेरी सरकार ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी चुके हैं। इन समूहों को 8 लाख करोड़ रुपया बैंक लोन और 40,000 करोड़ रुपया की आर्थिक सहायता दी गई है। मेरी सरकार 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान चला रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने से देश की लाखों महिलाओं को बहुत मदद मिली है। मेरी सरकार ने महिलाओं की पहली बार सशस्त्र बलों में परमानेंट कमीशन दिया गया है। पहली बार सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला कैडेट्स के प्रवेश दिया गया है। आज महिलाएं फाइटर पायलट भी है और नौसेना के जहाज को भी पहली बार कमांड कर रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत जो 40 करोड़ से ज्यादा लोन दिए गए हैं, उनमें करीब 31 करोड़ से ज्यादा लोन महिलाओं को मिली है। इस योजना से लाभ लेकर करोड़ों महिलाओं ने स्वरोजगार शुरू किए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार आज खेती को अधिक लाभकारी बनाने पर बल दे रही है। हमारा ये प्रयास है कि खेती में लागत कम हो और लाभ अधिक हो। मेरी सरकार ने पहली बार 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को भी देश की कृषि नीति और योजनाओं में प्रमुखता दी है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2,80,000 करोड़ रुपया किसानों को मिल चुके हैं।
दो सालों में किसानों के लिए बैंक से आसान लोन में 3 गुना वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30,000 करोड़ रुपया प्रीमियम भरा। इसके बदले उन्हें 1.5 लाख करोड़ रुपये का क्लेम मिला है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 18 लाख करोड़ रुपया एमएसपी के रूप में धान और गेहूं की खेती करने वाले किसानों को मिले हैं। ये 2014 से पहले के 2 सालों की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। पहले तिलहन और दलहन फसलों की सरकारी खरीदी नहीं की बराबर थी। पिछले दशकों में तिलहन और दलहन की खेती करने वाले किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपया मिले हैं। ये मेरी ही सरकार है जिसने पहली बार देश में कृषि निर्यात नीति बनाई है। इससे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ रुपया तक पहुंचा है। किसानों को सस्ती खाद मिले इसके लिए 10 सालों में 11 लाख करोड़ रुपया से अधिक खर्च किए गए हैं। मेरी सरकार ने 2.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए हैं। अभी तक लगभग 8,000 किसान उत्पादक संघ एफपीओ बनाए जा चुके हैं। मेरी सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। सरकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है। जिन गांव में सहकारी समितियां नहीं है वहां 2 लाख समितियां बनाई जा रही है। मत्स्यपालन क्षेत्र में 38,000 करोड़ रुपया से अधिक की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके कारण मत्स्य उत्पादन पिछले 2 साल में 95 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 175 लाख मेट्रिक टन यानी लगभग 2 गुना हो गया है। इनलैंड फिशरीज का उत्पादन 61 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 131 लाख मेट्रिक टन हो गया है। मत्स्यपालन क्षेत्र में निर्यात भी 30,000 करोड़ रुपया से बढ़कर 64,000 करोड़ रुपया तक यानी 2 गुनी से ज्यादा बढ़ा है। देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है। पिछले दशकों में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 40% बढ़ी है। पशुओं को खुरपका और मुंहपका बीमारियों से बचाने के लिए पहली बार मुफ्त टीकाकरण अभियान चल रहा है। अब तक 4 चरणों में 50 करोड़ से ज्यादा टीका पशुओं की दिए जा चुके हैं। माननीय सदस्यगण, जनकल्याण की ये जितनी भी योजनाएं हैं, ये सिर्फ सुविधाएं भर नहीं है, इसका देश के नागरिकों के पूरे जीवन चक्र पर सकारात्मक असर पड़ रहा है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा मेरी सरकार की योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इसके परिणाम बहुत ही प्रभावकारी है और गरीबे से लौट रहे दुनिया के हर देश को प्रेरित कर रहने वाले हैं। बीते वर्षों में विभिन्न संस्थाओं के अध्ययन में सामने आया है कि 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण और खुले में शौच बंद होने से अनेक बीमारियों की रोकथाम हुई है। इससे शहरी क्षेत्र के हर गरीब परिवार को इलाज पर प्रति वर्ष 60,000 रुपया तक की बचत हो रही है। पाइप से शुद्ध पेयजल मिलने से भी प्रति वर्ष लाखों बच्चों की जान बच रही है।
पीएम आवास योजना पर हुई अध्ययन के अनुसार पक्के घर से परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और गरिमा बढ़ी है। पक्के घर में बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई है और ड्रॉप आउट की दर में कमी आई है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के वजह से आज देश में 100% संस्थागत प्रसव हो रही है। इस वजह से माता मृत्यु दर में भी भारी गिरावट आई है। एक और अध्ययन के अनुसार उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवार में गरीब बीमारी की घटना में कम आई है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार मानव केंद्रित विकास पर बोल दे रही है। हमारे लिए हर नागरिक की गरिमा सर्वोपरि है। यही सामाजिक न्याय की हमारी अवधारणा है। भारत के संविधान के हर अनुच्छेद का संदेश भी यही है। हमारे यहाँ लंबे समय तक सिर्फ अधिकारों पर चर्चा होती थी। हमने सरकार के कर्तव्यों पर भी बोल दिया। इससे नागरिकों में भी कर्तव्य भाव जागा। आज अपने अपने कर्तव्य के पालन से हर अधिकार की गारंटी का भाव जागृत हुआ। मेरी सरकार ने उनकी भी सुध ली है जो अब तो विकास की धारा से दूर रहे हैं। ऐसे हजारों आदिवासी गांव है जहां बीते 10 वर्षों में पहली बार बिजली और सड़क पहुंची है। लाखों आदिवासी परिवारों को आप जाकर पाइप से शुद्ध पानी मिलना शुरू हुआ। विशेष अभियान के तहत मेरी सरकार हजारों आदिवासी बहुल गांव में 4G इंटरनेट सुविधा भी पहुंचा रही है। बंधन केंद्रों की स्थापना और 90 से ज्यादा बोन उपज पर MSP दिए जाने से आदिवासियों को बहुत लाभ हुआ है। मेरी सरकार ने पहली बार जनजातियों में भी सबसे पिछड़े जनजातियों को ही सुध ली है। उनके लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपया की PM जनमन योजना बनाई। आदिवासी परिवार में अनेक पीढ़ियां सिकल सेल एनीमिया में पीड़ित रही है। पहली बार इसके लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। अब तक लगभग 1,40,000 लोग की जांच की हो चुकी है। दिव्यांगजनों के लिए भी मेरी सरकार ने सुगम्य भारत अभियान चलाए हैं। साथ ही भारतीय सांकेतिक भाषा में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई है। ट्रांसजेंडर को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने और उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु भी कानून बनाए हैं। माननीय सदस्यगण, हमारे यहाँ विश्वकर्मा परिवारों के बिना दैनिक जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। ये परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कौशल को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी मदद के अभाव में हमारी विश्वकर्मा साथी बुरी स्थिति से गुजर रहे थे। मेरी सरकार ने ऐसे विश्वकर्मा परिवार को भी सुध ली है। अभी तक PM विश्वकर्मा योजना से 84 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। रेठी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथी भी दशकों से अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे। मेरी सरकार ने PM स्वनिधि योजना द्वारा उनको बैंकिंग से जोड़ा। इस योजना के तहत अब तक 10,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि के ऋण दिया जा चुका है। सरकार ने इन पर भरोसा करते हुए बिना कोलेटरल के ऋण दिया है। इस भरोसे के मजबूत करते हुए अधिकांश लोगों ने ऋण भी वापस किया है, अगली किस्त का भी लाभ उठाया है। इस योजना के
अधिकतर लाभार्थी दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाएं हैं। माननीय सदस्यगण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही मेरी सरकार समाज के हर वर्ग को उचित अवसर देने में जुटी है। पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की सुविधा दी गई है। मेडिकल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ओबीसी के केंद्रीय कोटे के तहत दाखिले में 37% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। मेरी सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। आज देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए समर्पित 10 संग्रहालय बनाया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की भी पहली बार विकास से जोड़ा है जो दशकों तक उपेक्षित रहे। हमारी सीमाओं से सटे गांवों को देश का अंतिम गांव माना जाता था। मेरी सरकार ने उन्हें देश का पहला गांव बनाया। इन गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे हमारे दूर सुदूर के द्वीप समूह भी विकास से वंचित थे। मेरी सरकार ने इन द्वीपों में भी आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया। वहां सड़क, हवाई यातायात और तेज इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचाई। कुछ सप्ताह पूर्व ही लक्षद्वीप को भी अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी सुविधा होगी। मेरी सरकार द्वारा आकांक्षा जिला कार्यक्रम के तहत देश के 100 से अधिक जिलों में विकास का प्राथमिकता दी गई है। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए मेरी सरकार ने आकांक्षा ब्लॉक कार्यक्रम भी शुरू किया है। इससे देश के उन ब्लॉक्स में विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है जो पीछे छूट गए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार आज पूरी सीमा पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। एक काम बहुत पहले ही प्राथमिकता के आधार पर हो जाना चाहिए था। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, हमारी सेनाएं आज जैसे को तैसा की नीति के साथ जवाब दे रही है। आंतरिक शांति के लिए मेरी सरकार के प्रयासों के सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा का वातावरण है। आज वहां हड़ताल का सन्नाटा नहीं, भीड़ भरे बाजार की चल पहल है। नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद की घटना में भारी कमी आई है। अनेक संगठनों ने स्थायी शांति के तरफ कदम बढ़ाए हैं। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र घाटे हैं और नक्सली हिंसा में भी भारी गिरावट हुई है। माननीय सदस्यगण, भारत के लिए ये समय आने वाली सदियों का भविष्य लिखने का है। हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों की एक विरासत हमारे लिए छोड़ी है। अपने पूर्वजों की सौगातों का आज भी हम बड़े गौरव के साथ याद करते हैं। आज की पीढ़ी को भी ऐसा विरासत बनानी है जो सदियों तक याद रखी जाए। इसलिए मेरी सरकार आज एक बड़े विजन पर काम कर रही है। इस विजन में आने वाले 5 वर्षों का कार्यक्रम भी है। इसमें आने वाले 25 साल का रोड मैप भी है। हमारे लिए विकसित भारत सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है।
हमारे लिए विकास भारत सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है, हम सामाजिक, सांस्कृतिक और सामरिक ताकत को भी उतना ही महत्व देते हैं। इनके बिना विकास और आर्थिक समृद्धि स्थायी नहीं रह सकती है। बीते दशकों के फैसले भी इसी ध्येय से लिए गए हैं। आज भी अनेक कदम इसी लक्ष्य के साथ उठाया जा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, भारत के तेज विकास को लेकर आज दुनिया की हर एजेंसी आश्वस्त है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो भी आकलन कर रहे हैं उनका आधार भारत की नीतियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश और पॉलिसी रिफॉर्म निवेशकों का विश्वास और बढ़ा रहा है। पूर्ण बहुमत वाली स्थिर और मजबूत सरकार के लिए भारतीयों का संकल्प भी दुनिया को नया भरोसा दे रहे हैं। आज दुनिया को विश्वास है कि भारत ही ग्लोबल सप्लाई चेन को सशक्त कर सकता है, इसलिए भारत भी आज इसके लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। देश में एमएसएमई का एक मजबूत नेटवर्क बनाया जा रहा है। मेरी सरकार ने 14 सेक्टर्स के लिए पीएलआई योजनाएं शुरू किए हैं। इसके तहत अभी तक लगभग 9 लाख करोड़ रुपया का उत्पादन हो चुका है। इससे देश में रोजगार और स्वरोजगार के लाखों नए अवसर बने। पीएलआई से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और मेडिकल डिवाइस के सेक्टर में भी लाभ हो रहा है। मेडिकल डिवाइस से जुड़े दर्जनों प्रोजेक्ट्स में उत्पादन शुरू हो चुका है। मेरी सरकार ने देश में 3 बल्क ड्रग पार्क भी बनाए हैं। माननीय सदस्यगण, आज मेड इन इंडिया एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। मेक इन इंडिया को लेकर आज दुनिया आकर्षित हो रही है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को दुनिया समझ रही है। आज दुनिया भर की कंपनियां भारत में नए सेक्टर्स को लेकर उत्साहित है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में हो रहा निवेश इसका उदाहरण है। सेमीकंडक्टर सेक्टर से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बहुत लाभ होगा। मेरी सरकार आज ग्रीन मोबिलिटी को बहुत प्रोत्साहित दे रही है। बीते कुछ सालों में ही देश में लाखों इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण हुआ है। अब तो हम भारत में ही बड़े हवाई जहाज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कदम बढ़ा चुके हैं। आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में करोड़ों नए रोजगारों का सृजन होगा। माननीय सदस्यगण, विश्व में आज ऐसे उत्पादों को विशेष मांग है, माध्यम है। साथ ही ये स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का भी प्रयास है। भारत के स्पेस प्रोग्राम के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिए गए हैं। इसके कारण अनेक नए स्पेस स्टार्टअप्स बने हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जो भारत का गगनयान स्पेस में जाएगा। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने भारत को दुनिया के अग्रणी डिजिटल इकोनॉमीज में से एक बनाया है। इससे करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला है। हमारा प्रयास है कि चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत दुनिया में सबसे आगे रहे। मेरी सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन पर काम कर रही है। ये भारत के युवाओं को नए अवसर देगा। ये नए स्टार्टअप्स के लिए संभावनाएं खोलेगा। इससे कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगी। मेरी सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन भी स्वीकृत किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग नए दौर की डिजिटल व्यवस्था बनाएगा। इस क्षेत्र में भारत आगे रहे इसके लिए काम शुरू हो चुके हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भारत की युवा शक्ति की शिक्षा और कौशल विकास के लिए निरंतर नए कदम उठा रही है। इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई और
उसे तेजी से लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर बोल दिया गया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून जैसे विषयों की पढ़ाई भारतीय भाषा में प्रारंभ कर दी गई है। स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए मेरी सरकार 14,000 से अधिक पीएम श्री विद्यालयों पर काम कर रही है। इनमें से 6,000 से अधिक विद्यालय शुरू हो चुके हैं। मेरी सरकार के प्रयासों से देश में ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। उच्च शिक्षा में छात्राओं के दाखिले ज्यादा हो रही है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के नामांकन में लगभग 44% वृद्धि हुई है। नामांकन में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की 65% और ओबीसी के विद्यार्थियों को 44% अधिक वृद्धि हुई है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 2000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए हैं। इसमें 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी जुड़े हैं। साल 2014 तक देश में 7 एम्स और 390 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। वही पिछले दशक में 16 एम्स और 315 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। एक सौ 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। पिछले दशक में एमबीबीएस की सीटों में दोगुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। माननीय सदस्यगण, पर्यटन क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार देने वाला एक बड़ा सेक्टर है। मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं। भारत में घरेलू टूरिस्ट की संख्या के साथ ही भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। पर्यटन के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, इसका कारण भारत की बढ़ती साख है। आज दुनिया भारत के को देखना और जानना चाहती है। इसके अलावा शानदार कनेक्टिविटी विकसित होने के कारण भी पर्यटन का दायरा बढ़ा है। जगह जगह एयरपोर्ट बनने से भी बहुत फायदा हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में आज रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट पहुंच रही है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर उत्साह चरम पर है। मेरी सरकार ने देश भर में तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बल दिया है। इससे अब भारत में तीर्थ यात्रा आसान हुई है। वही दुनिया भी भारत में हेरिटेज टूरिज्म को लेकर आकर्षित हो रही है। बीते एक वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशी गए हैं। पांच करोड़ से अधिक लोगों ने महाकाल के दर्शन किए हैं। उन्नीस लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है। अयोध्या धाम में ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के हर हिस्से में तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। मेरी सरकार भारत को मीटिंग और प्रदर्शनी से जुड़े सेक्टर में भी अग्रणी बनाना चाहती है। इसके लिए भारत मंडपम और यशोभूमि जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आने वाले समय में टूरिज्म रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। माननीय सदस्यगण, देश की युवा शक्ति को कौशल और रोजगार से जोड़ने के लिए हम स्पोर्ट्स इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। मेरी सरकार ने खेलों और खिलाड़ियों को अभूतपूर्व मदद दी है। आज भारत एक बहुत बड़ी खेल शक्ति बनने को
की ओर अग्रसर हो रहे। खिलाड़ियों के साथ ही आज हम स्पोर्ट्स से जुड़े दूसरे क्षेत्रों पर भी बोल दे रहे हैं। आज नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन चुकी है। देश में हमने दर्जनों सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाए हैं। इससे स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन के रूप में चुनने का अवसर युवाओं को मिलेगा। खेल उपकरण से जुड़ी इंडस्ट्री को भी हर प्रकार की मदद दी जा रही है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अनेक खेलों से जुड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स का शानदार आयोजन किया। देश के युवाओं में कर्तव्य बोध और सेवा भाव का विस्तार करने के लिए मेरा युवा भारत संगठन बनाया गया है। अभी तक इस संगठन से लगभग 1 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। माननीय सदस्यगण, संक्रमण काल में एक मजबूत सरकार होने का क्या मतलब होता है, ये हमने देखा है। बीते 3 वर्षों से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दरार पड़ गए हैं। इस कठिन दौर में मेरी सरकार ने भारत को विश्व मित्रों के रूप में स्थापित किया है। विश्व मित्रों की भूमिका के कारण ही आज हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन पाए हैं। बीते 10 वर्षों में एक और पुरानी सोच को बदला गया है। पहले डिप्लोमेसी से जुड़े कार्यक्रम को दिल्ली के गलियारी तो की सीमित रखा जाता था। मेरी सरकार ने इसमें भी जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत द्वारा G20 अध्यक्षता के दौरान देखा गया है। भारत ने G20 को जिस प्रकार जनता से जोड़ा, ऐसा पहले कभी नहीं था। देश भर में हुए कार्यक्रम के जरिए भारत के वास्तविक सामर्थ्यों से दुनिया का परिचय हुआ। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए। पूरी दुनिया ने भारत में हुए ऐतिहासिक G20 सम्मेलन की प्रशंसा की। ऐसे बंटे हुए महलों में भी एकमत से दिल्ली घोषणा पत्र जारी होना ऐतिहासिक है। वुमेन लीड डेवलपमेंट से लेकर पर्यावरण के मुद्दों पर भारत का विजन दिल्ली घोषणा पत्र की नींव बना। हमारे प्रयासों से G20 में अफ्रीकन यूनियन के स्थायी सदस्यता को भी सराहा गया है। इसी सम्मेलन के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के निर्माण को की घोषणा हुई है। ये कॉरिडोर भारत के सामुद्रिक सामर्थ्यों को और सशक्त करेगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का लॉन्च होना भी बहुत बड़ी घटना है। इस प्रकार के कदम वैश्विक समस्याओं के समाधान में भारत की भूमिका का विस्तार कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने वैश्विक विवादों और संघर्षों के इस दौरे में भी भारत के हितों को मजबूती से दुनिया के सामने रखा है। भारत की विदेश नीति का दायरा आज अतीत की विदेशों से कहीं आगे बढ़ चुका है। आज भारत अनेक वैश्विक संगठनों का सम्मानित सदस्य है। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत दुनिया के एक प्रमुख आवाज है। भारत आज संकट में फंसी मानवता की मदद के लिए मजबूती से पहल करता है। दुनिया में कहीं भी संकट आने पर भारत वहां तेजी से पहुंचने का प्रयास करता है। मेरी सरकार ने दुनिया भर के
काम कर रहे हैं भारतीयों में नया भरोसा जगाया है। ऑपरेशनल गंगा, ऑपरेशनल कावेरी और वंदे भारत जैसे अभियान चलाकर जहां जहां संकट आया वहां से हर भारतीयों को हम तेजी से सुरक्षित वापस लेकर आए। मेरी सरकार ने योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की भारतीय परंपरा को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में 135 देशों की प्रतिनिधित्व ने एक साथ योग किया। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। मेरी सरकार ने आयुष पद्धतियों के विकास के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी भारत में बन रहा है। माननीय सदस्यगण, सभ्यताओं के कालखंड में ऐसे पड़ाव आते हैं जो सदियों का भविष्य तय करते हैं। भारत के इतिहास में भी ऐसे अनेक पड़ाव आए। इस वर्ष 22 जनवरी को भी देश ऐसे ही एक पड़ाव का साक्षी बना है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान। ये करोड़ों देशवासियों की इच्छा और आस्था का प्रश्न था जिसका उत्तर देश ने पूरी सद्भाव के साथ खोजा है। माननीय सदस्यगण, आप सभी करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं। आज जो युवा स्कूल कॉलेज में है उनके सपने बिल्कुल अलग हैं। हम सभी का ये दायित्व है कि अमृत पीढ़ी के सपनों को पूरा करने में कोई कसर बाकी ना रहे। विकसित भारत हमारी अमृत पीढ़ी के सपनों को साकार करेगा, इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ना होगा। माननीय अटल जी, माननीय सदस्यगण, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं है। अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं। मेरी सरकार 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने की गारंटी के साथ आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नया संसद भवन भारत की ध्येय यात्रा को निरंतर ऊर्जा देता रहेगा, नई और स्वस्थ परंपरा बनाएगा। वर्ष 2047 को देखने के लिए अपने साथी तो अब इस सदन में नहीं होंगे, लेकिन हमारी विरासत ऐसे होनी चाहिए कि तब की पीढ़ी हमें याद रखे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।